हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक स्ट्रीट फाइटर और एक बॉक्सर में क्या डिफरेंस है, हम स्ट्रीट फाइट में कैसे पंचेस को यूज़ में लेते हैं और स्ट्रीट फाइट में जब पंच यूज़ में लेते हैं उनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम स्ट्रीट फाइट में कैसे पंचेस को यूज़ में लेते हैं। तो आपने खुद ने भी नोटिस किया होगा, स्ट्रीट फाइट में जितनी भी फाइट होती है, जो अटैक करते हैं स्ट्रीट फाइट में, जो बिल्कुल कैजुअल होते हैं, वो कैसे अटैक करते हैं, ऐसे अटैक करने की सोचते हैं। वो ऐसे अटैक करेंगे या फिर पंच यहाँ से लेके आएंगे, ऐसे मारेंगे या फिर है ना ऐसे मारते हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर सिंपल ऐसे अटैक करने की कोशिश करते हैं। एक तो सब क्या नुकसान है, जो भी आप ये पंच अटैक कर रहे हो, इनमें ना ही तो कोई हिटिंग आ पा रही है, ना इनमें कोई स्पीड आ रही है। तो अगर आपकी किसी बॉक्सर के साथ फाइट हो रही है और आप इन पंचेस को यूज़ कर रहे हो, तो जितनी देर में आप एक पंच मारोगे ना, उतनी देर में वो आपके चार पंच मार जाएगा। सपोज जैसे मैं ऐसे अटैक कर रहा हूँ और बॉक्सर अगर अपना पूरा बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक भी नहीं करेगा, सिंपल अपने पंचेस को यूज़ करेगा, तो भी उसके पंचेस में ज़्यादा हीटिंग आएगी, ज़्यादा स्पीड आएगी, और वो एक मतलब जितनी देर में एक पंच ला रहा है ना, इतनी देर में चार पंचेस मार दे। कैसे? तो आपने देखा होगा कि एक स्ट्रीट फाइट कैसे अटैक कर रहा है और एक बॉक्सर कैसे अटैक कर रहा है, दोनों में रात दिन का डिफरेंस आ रहा है। और स्ट्रीट फाइट का मेन ड्रॉबैक क्या है कि जब भी हम अटैक करते हैं ऐसे, एक तो हमारा खुद का बॉडी बैलेंस ही खो देते हैं। जैसे ऐसे मारने जा रहा हूँ, अगर मेरा जो ओपोनेंट है वो गलती से मिस हो गया, पीछे स्टेप ले लिया या फिर वहाँ से हट गया, तो क्या होगा, मेरा पंच ऐसे बिगड़ते हुए मैं इनबैलेंस हो जाऊँगा, मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और मैं कहीं पर भी अटैक, फिर मेरा पंच कहीं पर भी लग सकता है। सपोज जब फाइट हो रही है, मैं स्पेस कम है, तो उसका अटैक कर रहे हो, पीछे हट गया, तो आपका पंच है वो कहीं पर भी लग सकता है। ये चीज़ मैंने खुद ने नोटिस करी है। स्कूल टाइम में एक बार एक की फाइट हो रही थी, वो तो कर रहा था ऐसे पंच लेके आ रहा था और ऐसे मार रहा था, जो उसके साथ लड़ रहा था वो तो पीछे हट गया, और जो उसका पंच था वो चैनल गेट में जाकर लगा, तो उसके यहाँ कट लग गया था, उसके खुद की ब्लीडिंग होने लग गई। तो ऐसे अटैक करने के चक्कर में क्या हुआ, उसके खुद के लग गई, दूसरा तो बच गया, उसका कोई सेंस ही नहीं निकला पंच मारने का, और इसके लग गई उल्टी। तो आपको इन बातों का ध्यान में रखना है कि जब भी आप स्ट्रीट फाइट होती है आपकी, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, ऐसे पंचेस मारने का अवॉइड करें। अगर आपको बेसिक बॉक्सिंग आती है तो आप उन पंचेस को अप्लाई करें, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कीप सपोर्टिंग।